हाँ, तो फोर्स एंड प्रेशर। तो अब जैसे कि अगर हम किसी चीज को अपने तरफ खींचते हैं, अपने तरफ पुल करना है, मैं अपना वीडियो भी ऑन कर देता हूं सो दैट यू कैन सी मी। हाँ, तो किसी भी चीज को मैं खींच रहा हूं अपने तरफ, आई एम ट्राइंग टू पुल इट टुवर्ड माई सेल्फ, तो एक दम लगता है। या मैं किसी चीज को अपने से दूर भेज रहा हूं, जाओ, तो उसमें भी दम लगता है। ये जो पुल या पुश जो होता है ऑब्जेक्ट, यही चीज होता है फोर्स। इसी चीज को फोर्स कहते हैं। मतलब अगर आप देखोगे जो फोर्स होता है ना, फोर्स को पुश और पुल, जैसे कि किसी चीज को उठाना, किसी चीज को खोलना, बंद करना, किक मारना, ठीक है, लिफ्ट करना, उठाना, पुश करना, पुल करना, ये सब कुछ फोर्स है। ये फोर्स से क्या होता है, ये फोर्स में होता क्या है कि जब भी हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, चेंज इन मोशन होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस थिंग, ये चीज यहां रखा हुआ है मान लो। अब मैं अगर इसे लिफ्ट करता हूं तो इसका पोजीशन में चेंजेस हुआ, देयर इज अ चेंज इन मोशन। तो ये चीज फोर्स से होगा, मैं इसको इधर से मारूं, ये इधर गिर गया, देयर विल बी चेंज इन मोशन। मैं इसको उछालूं, देयर इज अ चेंज इन मोशन। तो ये चीज आपको फोर्स से होता है। फोर्स से बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट का मोशन में बदलाव होता है। अब अगर आप देखेंगे जैसे कि एक गोल कीपर है, किसी ने तेजी से दौड़ के आके बॉल मारा, गोल कीपर ने लपक के उसको पकड़ लिया। तो पकड़ लिया तब क्या हुआ, जब उसने पकड़ा तब वो बॉल तो मूव कर रही थी, वो मूव कर रही थी, पकड़ते हुए रुक गई, उसका मोशन बदल गया, फोर्स लगा। फोर्स लगा और उसका जो मोशन है वो भी बदल गया। पहले मूव कर रहा था, अब रेस्ट में आ मोशन गया। पे रेस्ट में आ गई चीज। यस, सिमिलरली अगर ये हॉकी स्टिक है, हॉकी स्टिक से मैं हॉकी बॉल को इधर मारूंगा उधर चला जाएगा, इधर मारूंगा इधर चला जाएगा। या जो क्रिकेट फील्ड में जो फील्डर है उसने बॉल को ऐसे पकड़ा, तो जो बॉल मूव कर रही थी उस बॉल को उसने रोक लिया, पकड़ के फिर ऐसे फेंका, तो उसका फिर डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल है जहां पर फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है। समझ में आया बेटा? ओके। यस सर, यस सर, अब आगे सर। देखते हैं, अब आगे क्या है। ओहो, अब देखो ये क्या बोल रहा है, चलो कोशिश करते हैं इसको करने का। आइडेंटिफाइंग एक्शंस पुश और पुल। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, टेबल पे किताब रखी हुई है, इस किताब को इधर या इधर ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे करेंगे तो पुश हुआ, ऐसे खींचा तो पुल हुआ, ऐसे किया तो लिफ्ट हुआ, तो यही सब एक्शन कर रहे। ओपनिंग और शॉर्टिंग अ डोर, दरवाजे को अगर मैं खोलूं या बंद करूं तो क्या क्या कर रहा हूं, पुश तो कर ही रहा हूं, पुल भी कर रहा हूं और भी कुछ लिफ्टिंग कर रहा हूं क्या, डोर को उठा रहा हूं। अच्छा, हाँ नहीं कर रहा हूं ना, तो इसमें पुश और पुल दोनों हैं। देन ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। अब जब मैं वेल से पानी निकाल रहा हूं, पानी निकालते वक्त मैं क्या कर रहा हूं, बाल्टी को पहले नीचे डाल रहा हूं, सर पुलिंग और लिफ्टिंग, फिर उसको पुल कर रहा हूं, पुलिंग लिफ्ट कर रहा हूं, तो इसमें पुल और लिफ्ट ये दोनों हो जाएगा, पुल एंड लिफ्टिंग ये दोनों हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे ये सार बेकार, ये एक्चुअली में है क्या चीज, ये एक एग्जाम्पल्स दिया गया है ताकि आप समझ लो कि भाई साहब फोर्स लग रहा है, जहां पर भी फोर्स लग रहा है वहां पर पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो रहा है, या तो अपने तरफ खींच रहे या अपने से दूर खींच रहे, भेज रहे, ये चीज होता है, उस चीज को फोर्स
फोर्स कहा जाता है, ठीक है। और जो फोर्स लगता है, जो ऑब्जेक्ट के मोशन में बदलाव होता है, ऑब्जेक्ट के मोशन में जो बदलाव होता है, वो बदलाव होता है वो फोर्स की वजह से, वे फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से। समझ में आया? यस सर। सबको आ गया बेटा समझ में? यस सर। यस ओके। अब आगे, अब ये देखो, ये सारे एग्जांपल्स ही दिए गए। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, मतलब आप सिंपल सा चीज समझो कि जहां पर इंटरैक्शन नहीं होगा वहां पर फोर्स तो लग ही नहीं सकता ना। मैंने ये चीज लिया था हाथ में, मैं यहां से फूकूंगा बिना छुए हुए, ये नहीं गिरेगा, लेकिन मैं इसमें हाथ लगाऊंगा ये गिर जाएगा। मतलब इसके बीच में और मेरे हाथ के बीच में ये इंटरैक्शन हुआ है, इसके बीच में और मेरे हाथ के बीच में इंटरैक्शन हुआ। इंटरैक्शन जब हुआ तब मैंने उठाया, पुश किया, पुल किया। विदाउट इंटरैक्शन तो ये चीज हो नहीं सकता। मतलब फोर्स के एप्लीकेशन के लिए इंटरैक्शन का होना जरूरी है। अब जैसे कि अगर आप यहां पर देखो कार में, ये कार को धक्का मारना है भाई, कार जब तक आगे नहीं चलेगी वो कार स्टार्ट नहीं हो सकती। अब ये जो पीछे जो ये पीले शर्ट में ये जो बंदा बैठा हुआ है, ये भाई साहब बोल रहा है नहीं मैं तो कार को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये कार अपने आप चलेगी। नहीं चलेगी, उस बंदे ने ये हाथ लगाना है इस कार को। मतलब उस बंदे के बीच में और कार के बीच में यहां पर एक इंटरैक्शन हुआ, और उस इंटरैक्शन की वजह से फोर्स लगा, और उस फोर्स की लगने की वजह से कार का मूवमेंट शुरू हुआ। समझ में आया? यस सर। अब वैसे ही यहां पर देख लो, हाँ, हम लोग लड़ते हैं तो क्या करते हैं, लड़ते हैं तो धक्का मारते हैं ना एक दूसरे को, तू इधर जा, वो दूबे, वो भी धक्का मार रहा है, तुम भी धक्का मार रहे, तो हो क्या रहा है? दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे, दोनों के बीच में यहां पर दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरैक्शन हो रहा है। इंटरैक्शन, हाँ। अब ये जो डांस करते हैं ना, नाचते हैं ना, दोनों हाथ पकड़ के घूमते हैं, हाँ? सोचो ऐसे तुम और तुम्हारे दोस्त हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, घूम रहे स्पीड बढ़ा दिया, अचानक से हाथ छोड़ दिया, क्या होगा सर? दोनों गिर जाएंगे। दोनों गिरेंगे भाई, दोनों गिरेंगे, एक ने संभाल लिया तो संभाल लिया। ओके बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हाँ बोलो बेटा। सर जब आप उसके बारे चैप्टर करा था आपने बताया था कि फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन होती है। हाँ अभी मैं बताऊंगा सर अगर इसमें से किसी एक ने, मतलब ये जो कर रहे हैं लोग सर, इसमें से किसी एक ने 10 न्यूटन का और दूसरे ने 12 का लगा दिया, तो सर दोनों मतलब उनमें से एक गिरेगा? हाँ अगर एक ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तब तो गिरेंगे ही ना, ठीक है। अब ये मतलब मोस्टली एक ही न्यूटन का फोर्स लगता है। हाँ जेनरली थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो होगा, लेकिन ये ऐसे एक दूसरे को पकड़ते हैं जिसकी वजह से ये गिर नहीं पाते हैं। ये एक दूसरे को घुमा रहे हैं, ये जो है इसको घुमा रही है, ये जो है इसको घुमा रही है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। नतीजा क्या होगा? दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा और ये स्पीड बढ़ जाएगा। यस सर नो? यस सर। यस सर। यस सर। है ना, अगर मान लो मैं तुम्हें इसर इधर डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, तुम मुझे इधर डायरेक्शन में घुमा रहे हो, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। तुमने मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने मान लो 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस डायरेक्शन में टोटल तो 22 न्यूटन का फोर्स लग गया, लगा या नहीं लगा? तभी तो स्पीड बढ़ जाता है। तुम अकेले घूमते हो ना तब उतने स्पीड से नहीं घूम सकते,
ऐसे घूमोगे तो बड़े स्पीड में घूम जाओगे तुम। ठीक है, अब इधर देखो, ये भाई साहब, ये जो है ये किसान है, अपने बैल को लेके जा रहा है। ये बैल बोल रहा है कि भाई तू मुझे बड़ा मारता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये किसान बोल रहा है कि चल तू मेरे तरफ, चल तू मेरे घर जा। ये किसान इधर खींच रहा है, ये बैल इधर खींच रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये किसान बेचारा पसीना पसीना हो गया। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। समझ में आया? यस सर, जिसने ज्यादा हाँ हाँ दूसरे को अपनी तरफ खींच पाएगा। हाँ वही है। ये देखो, ये बड़ा मजेदार गेम होता है यार, पता नहीं तुम लोगों ने अपने स्कूल स्कूल में किया है या नहीं। सर, किस किस ने खेला है, किसने खेला है? मैंने खेला सर, मैंने खेला है सर, मैंने खेला है। वेरी गुड दीविता, यू हैवंट प्लेड डॉग ऑफ वॉर। सर मैंने भी खेला है, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा, अक्षिता सर खेला है ये गेम? हाँ, ये खेलते वक्त एक काम किया है। अच्छा, ये बड़े खींच रहे, छोड़ दे रस्सी, रस्सी जो, तो उनका छोड़ देते फिर हाँ जाते। रस्सी छोड़ने का काम भी किया होगा, ये शरारत तो सब करते हैं। तो रस्सी छोड़ने से क्या हो गया? अब देखो बेटा, ये खींच रहे हैं इधर, ये खींच रहे हैं इधर। हाँ, लड़कियों ने देखा कि यार ये लड़के ना बड़े जोर लगा रहे हैं, ये तो जीत ही जाएंगे हमसे, इनमें तो बड़ा ताकत है। तो लड़कियों ने क्या किया भाई, ये फोर्स नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं। अब होगा क्या, सारा फोर्स इस तरफ जाएगा, लड़के गिर जाएंगे फटाक से। ठीक है, तो यहां पर दो टीम हुए हैं। अब दोनों टीम में अगर इक्वल फोर्स होगा तो कोई भी कहीं भी मूव नहीं कर सकता। जिसका फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसने सबसे ज्यादा पुल किया, उसी के तरफ वही खींच पाएगा सबको अपने तरफ। ठीक है, समझ गए बेटा? यस सर, यस सर। और क्या है, ये बड़ा मजेदार चीज है। अब देखो, इतने सारे तो एग्जाम्पल ले लिए। अब उस एग्जाम्पल में मान लो तुम्हारे घर में एक सूटकेस है। अब उस सूटकेस को तुम धक्का मार रहे हो, मूव नहीं हो पा रहा है, तुम नहीं हिला पा रहे हो उसे। तुमने मम्मी पापा को बुलाया, उन्होंने भी फोर्स लगा दिया, अब ये मूव हो गया। अब ये मूव क्यों हुआ, इसको सर समझना। क्योंकि क्योंकि सर बिकॉज सर जब मम्मी पापा ने फोर्स लगाया ना तो सर फोर्स का न्यूटन बढ़ गया। यस, मान लो आपने 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, मूव नहीं किया। मम्मी पापा ने आकर और 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, मतलब इसे इधर मूव करने के लिए टोटल 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, तब जाकर ये मूव हुआ यस सर। है जो ना? वेट होगा उससे हमें ज्यादा न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। यस। अब अगर मान लो आपका दोस्त भी आया, अच्छा दोस्त भूल जाओ, आपका भाई या बहन है घर में, दोनों बड़े लड़ते हो दोनों। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपने उसके भाई ने या बहन ने एक सामान को मूव करना है, तो वो इधर से फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन। तुमने बोला कि आज मैं मजा चखाता हूं, तुमने जाकर इधर से फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन। अब ये किधर मूव करेगा? सर बीच में रहेगा क्योंकि दोनों तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। अच्छा, सेम न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो तब तो ये मूव करेगा ही नहीं। इधर से भी सेम फोर्स, इधर से भी सेम फोर्स। तो फिर क्या हुआ, आपके भाई या बहन ने बोला कि चलो इसको मजा चखाते हैं। आपके भाई या बहन ने थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत कर दिया और इसे इधर से 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब किधर मूव करेगा? सर वो राइट साइड मूव करेगा। अब ये इस तरफ मूव कर जाएगा। राइट साइड। हाँ, क्योंकि देखो बेटा, क्योंकि क्या हुआ, एक तरफ से 12 न्यूटन फोर्स लगा और दूसरे तरफ से 10 न्यूटन फोर्स लगाया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा तो माइनस हो गया,
इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्चुअल फोर्स सिर्फ 2 न्यूटन का लगा है, ये एक्स्ट्रा फोर्स। अब ये 2 न्यूटन का फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा है? ये 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रहा है। और मैंने आपको बोला था कि अगर आपने इधर फोर्स इधर दे रहे हो 5 न्यूटन, मम्मी पापा ने आकर भी इधर 5 न्यूटन, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर फोर्स ऐड हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आया बेटा? यस सर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओ, इस ऑब्जेक्ट में एक तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, एक तरफ से 12 न्यूटन का फोर्स लगा, तो नेट फोर्स कितना लगा? नेट फोर्स लगा 2 न्यूटन का। समझ में आया बेटा? सर यस सर। फिर से समझा दूं? यस सर। अच्छा रुक जाओ, ये मैं मिटाता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जागृत मूव करना चाहता है इस डायरेक्शन में, तो जागृत ने उसे पुश करना शुरू कर दिया। जागृत ने इसे पुश करना शुरू कर दिया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जागृत से मजे लेने के लिए दूसरे तरफ से आ गया धैर्य, धैर्य ने इधर से फोर्स लगा दिया है। जागृत को बोला आज तू नहीं इसे मूव कर सकता, जागृत ने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा? 10 माइनस 10 जीरो, जीरो फोर्स लगा, इसीलिए तो मूव नहीं किया। लेकिन अगर जागृत ने बोला कि अच्छा मुझसे पंगे, जागृत ने यहां पर 2 न्यूटन और बढ़ा दिया, तो एक तरफ से 12 न्यूटन हो गया, एक तरफ से 10 न्यूटन हो गया। तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लगा? 12 माइनस 10 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। अब ये 2 न्यूटन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स्ट्रा 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो इस ऑब्जेक्ट को जागृत मूव कर पाएगा या धैर्य मूव कर पाएगा? जागृत विल मूव इट, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्चुअल फोर्स 2 न्यूटन का लगा, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नेट फोर्स। समझ में आया? नेट फोर्स कितना लगा? अब आ गया, क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अक्षिता समझ में आ रहा है बेटा? जागृत आ गया बेटा? यस सर। हाँ वेरी गुड। जागृत कम बोलते हो? हाँ कोई नहीं, धीरे धीरे बोल लोगे मेरे क्लास में। अब उसके बाद से क्या है, ये सब तो बता दिए, देखो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सब बता दिया। अब फोर्स क्या क्या करता है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, दो ही चीज तो होते हैं ऑब्जेक्ट, या तो रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे। यस और नो? यस सर। हाँ, अब जैसे कि पेनल्टी किक मारना है आपको फुटबॉल टीम में, पेनल्टी किक मारा तो बॉल जाएगा गोल पोस्ट के तरफ, यस और नो? यस सर। अब किसी ने एक बॉल के ऊपर एक किक मारा तो बॉल के ऊपर क्या अप्लाई हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ। हाँ, अब वो फोर्स की वजह से अब वो बॉल मूव करेगा, यस सर नो? यस सर।
लेकिन फोर्स लगाने से पहले बॉल कहाँ था? जीरो में। बॉल का स्पीड क्या था फोर्स लगाने से पहले? जीरो था, तर वो रेस्ट में था। वो रेस्ट में था, स्पीड जीरो था, वो रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही आपने उसे किक मारा, वो मूव करने लगा, उसका स्पीड बढ़ गया, उसका पोजीशन चेंज हो गया। यस और नो? यस सर। अब उसे गोल कीपर ने पकड़ लिया, तो गोल कीपर क्या कर रहा है? उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए गोलकीपर ने फोर्स लगाया और उसे रोक दिया। सर हाँ बोलो बेटा। जैसे मतलब जिसने किक मारी उसने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया और गोलकीपर ने उसको 15 न्यूटन के फोर्स से पकड़ा, बॉल रुक जाएगी। हाँ। और सर अगर फुटबॉल किक मारने वाले का फोर्स ज्यादा हुआ तो क्या होगा? तो क्या होगा? गोलकीपर भी गोल पोस्ट के अंदर डबल गोल हो जाएगा, फुटबॉल का भी गोल हो जाएगा, इंसान का भी गोल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद से देखो क्या बोल रहा है, यही सब चीज है। अभी देखो ये जो है ना, ये बड़े शहर वाले, दिल्ली वाले नहीं खेलते ये सब गेम, ये सब गेम खोलते हैं छोटे शहर वाले। कहाँ गया, क्यों नहीं आया अभी तक? सर आप गलत पेज पे, उसके ऊपर वाले। नहीं नहीं बेटा, वो चेंज नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है। सर वो टायर वाली गेम। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको खुला रखता हूँ, एक मिनट रुको, मैं लॉग आउट करके मैं दोबारा आता हूँ। अब देखो ये जो टायर वाला गेम है, अब इस टायर वाले गेम में क्या है, जो बंदा जो स्टिक लेके बैठा है वो स्टिक लेकर उसको मारता जाएगा। वो अगर इसको स्टिक तेजी से मारा तो वो टायर तेजी से घूमेगा, और अगर उस स्टिक को धीरे धीरे मारा तो धीरे धीरे घूमेगा। मतलब ये जो बच्चे होते हैं ना, ओहो छोटे शहरों में खेलते हैं, वो इसका डायरेक्शन डायरेक्शन सब बदल देते हैं एक ही स्टिक से। हाँ बहुत तगड़ा फिजिकल एक्टिविटी है ये। तो ये चीज आपको, ये भी गेम है, यहाँ पर भी क्या हुआ, मूवमेंट को, मोशन को इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करके क्या किया आपने, आप उसका डायरेक्शन को बदल सकते हो, आप उसके मोशन के, उसके स्पीड को चेंज कर सकते हो, उसके स्पीड को ज्यादा कर सकते हो, उसके स्पीड को कम कर सकते हो। अब जैसे कि ये चल रहा है, इसको ज्यादा तेजी से मारा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर आपने बॉल इस डायरेक्शन में ऐसे मारा, ये बॉल तो यहां स्केल में टकरा के ये बॉल इस डायरेक्शन में आ जाएगा। फोर्स अप्लाई किया स्केल ने और उसकी वजह से क्या हुआ, इसका डायरेक्शन बदल गया। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे क्रिकेट में भी होता है। हाँ क्रिकेट में क्या होता है, बॉलर ने बॉल किया बैट्समैन के तरफ, अब वो बैट्समैन ने अपने बल्ले को लेकर उसको किसी को इधर घुमा दिया, किसी को उधर घुमा दिया, जिधर मर्जी उधर उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। यस हाँ बोलो बेटा, कौन क्या बोल रहा था?
तो वॉइस ब्रेक हो रही है। किसकी? हेलो सर, सर आपकी 2-3 मिनट तक आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। अभी ठीक है? पहले वाला कौन सा बेटा? पहले ये समझा रहा था सर, भी 2 मिनट पहले, 2 मिनट क्रिकेट के बारे में बता, तो यही चीज बोल रहा था बेटा। ये जो है ना, ये टायर होता है ना, ये साइकिल का टायर वायर, कोई भी टायर पुराना पंचर हो गया आपके साइकिल में नहीं लगेगा, वैसा टायर सब लेकर बच्चे क्या करते हैं, ये स्टिक लेकर इसको मारते मारते दौड़ाते हैं इस टायर को, स्टिक लगा के। अब ये स्टिक यस अपने हाथों से, अब जैसे कि हाथ से फोर्स लगाना है, इधर से ज्यादा लगा दिया तो टायर उधर घूम जाएगा, इधर ज्यादा लगा दिया ऐसे तो टायर इधर घूम जाएगा, तो उस तरीके से है कि अब जिधर फोर्स लगाओगे उधर घूम जाएगा, और जितना ज्यादा लगाओगे उतना स्पीड बढ़ जाएगा। अब आपने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यहां पर स्केल है, स्केल ने बॉल को रोका और बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया। समझ में आया? यस सर। स्केल रेस्ट है, मोशन पे नहीं है। स्केल रेस्ट में है बेटा। अब जैसे कि आप घर में, अब देखो अब तो अभी तो बेचारा तुम लोगों का भी क्या हाल है, लॉकडाउन है ना, अब लॉकडाउन में क्या खेलते हो, घर के अंदर ही तो खेल ले तो हो गया जो भी खेलना है। यस सर, और सर पतंग उड़ाते हैं। अच्छा, अब घर के अंदर बॉल लेके खेलते हो तो कि बहुत सारे लोग तुम लोग क्या करते हो, दीवार में बॉल मारते हो, मारते हो ना दीवार में, तो दीवार में ऐसे करके बॉल मारते हो तो वो बॉल वापस किधर आ जाता है? क्यों आया? तुमने तो ऐसे लगाया था, उसको वापस किसने भेजा? सर दीवार ने, मतलब क्या दीवार ने फोर्स लगाया या नहीं लगाया? सर लगाया, फोर्स लगाया। डायरेक्शन बदल गया? यस सर। अच्छा सर, सब बहुत बड़ी बात है कि हम सीधी फेंकते हैं तो बॉल टेढ़ी आती है। नहीं, वो आपने कैसे फेंका है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेढ़ा फेंकोगे तो टेढ़ी जाएगी, एकदम सीधा फेंकोगे सीधी जाएगी, बिल्कुल से फेंकोगे आपको कैसे पता बिल्कुल 90 डिग्री में फेंक रहे हो? थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है हाथ से फेंकोगे तो। अब सर, अगर बाउंस करके आती है ना तो चेंज होता है, अगर सीधा आती है तो फिर तो चेंज। हाँ, अब सुनो बेटा, अब सुनो, तो अभी तक आपने क्या समझा? एक बॉडी को फोर्स ने एक बॉडी को रेस्ट टू मोशन कर दिया, आया समझ में? एक एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, पॉज हो रही है, अभी हो रही है, पॉज हो रही है सर, आपकी बात मतलब 2 मिनट के लिए ब्रेक हो रही है। एक मिनट। यस सर, यस सर, फिर हुई अभी। एक मिनट बेटा, तो वापस इज इट क्लियर नाउ? यस सर। हाँ चलो, मैंने वाईफाई चेंज कर दिया अपना, ठीक है। तो अब सुनो बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि भाई जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप रेस्ट में, ऑब्जेक्ट रेस्ट में एक जगह पर है, अब उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, मोशन में आ गया, उसका स्पीड बढ़। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में, उसके ऊपर उसके मोशन के डायरेक्शन में ही आपने और फोर्स लगा दिया तो उसका स्पीड और बढ़ गया। अब अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपने उसके ऑपोजिट में फोर्स लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया। अगर एक ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने फोर्स लगा दिया, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा या अपना डायरेक्शन को बदल लेगा। ये सब चीजें समझ में आया या नहीं आया बेटा? हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब फोर्स से क्या होता है, शेप भी तो चेंज हो जाता है।
शेप चेंज होता है या नहीं होता है? हाँ, जैसे कि तुम लोग अपने क्या होता है, छोटे भाई बहन को डराने उड़ाने के लिए ऐसे कर देते हो, ऐसे आंखें कर देते हो, आंखों का शेप चेंज हो गया, ऐसे कर देते हो आंखें का शेप चेंज हो गया, या तुम्हारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग आए और कैसे हो बोलते हैं, तो क्या हो जाता है, पूरा आपका फेस का शेप चेंज हो जाता है। Yes, है ना, जो वाटर बैलून गर्म दीवार पे फेंकते हैं सर, उसका भी शेप चेंज होता है। हाँ, या फिर घर में मम्मी जब वो आटा गूंथती है, डो बनाती है रोटी के लिए, तो ऐसे 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 आटे के ऊपर बांटती है, तो आटा क्या हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। या उस आटे को ऐसे ऐसे गोला बना के उसको बेलन से लगाते हैं, बेलन से फोर्स लगाते हैं, तो वो बड़ा सा बन जाता है गोला रोटी के शेप का। यस, क्ले का मॉडलिंग में भी शेप चेंज हो गया। तो इतने सारे एग्जांपल है यार, मैं कितने दूं, तुम लोगों को खुद भी तो आता है, मतलब फोर्स को अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो जाता है। यस और नो? मतलब कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। क्लियर है ये बात? Yes, sir. जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के स्पीड को भी चेंज कर देते हैं। क्लियर है? Yes, जब हम एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फोर्स लगाने से, हम उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। Okay, sir. जब एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो हम उसके शेप भी चेंज कर सकते हैं। Yes, sir, sir, please. ये सारा क्लियर हो गया? Yes, sir. यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? याद हो गया? Yes, sir. अब तो ये देखो, ये भाई साहब बैठे, ये देखो आटा गूंद रहे हैं, शेप चेंज होगा ना? यस सर। ये भाई साहब इस साइकिल के, ये साइकिल के ऊपर बैठे, साइकिल के सीट पे, साइकिल का सीट का शेप चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सर नहीं होगा। दब जाएगा बेटा, यहाँ पर ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग दब जाता है, नहीं दबेगा? लेकिन ये सीट में अगर कुशन है तो वो कुशन दबेगा नहीं दबेगा? जैसे तुम सोफा में बैठते हो तो सोफा का शेप चेंज होता है या नहीं होता है? दबेगा। अब ये कील में रबर बैंड लगा के रबर बैंड खींचोगे तो शेप बदलेगा नहीं बदलेगा? है ना। अब यहाँ पर देखो, दो तरफ किताबों के बीच में आपने स्केल रखा है, उस स्केल के ऊपर एक भारी भरकम सामान रख दिया, स्केल का शेप चेंज होगा या नहीं होगा? सर होगा। हाँ, यहाँ पर फोर्स इस भारी सामान ने इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया नीचे की तरफ। यस सर, ग्रेविटी चेंज होने लगेगा। हाँ, अब जैसे इसका एग्जाम्पल कहाँ पर है मालूम है? घर में कपड़ा सुखाने के लिए जो रोप बाना होता है छत पे, नायलन की रोप, तो उसमें जैसे जैसे कपड़े डालते जाते हो, नायलन का रोप झुकता जाता है या नहीं? Yes, sir. बस यही चीज तो है। यस, अब हम अगले क्लास में, आज तो यहाँ तक, अब हम अगले क्लास में क्या करेंगे बेटा? अगले क्लास में, अगले नेक्स्ट वीक तो तीनों क्लास आपका टेस्ट है, फिर उसके बाद से हम इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ओके सर। हाँ।